नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रिया, ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से। मेरठ पुलिस लाइन में एसएसपी अजय साहनी ने मुकुल हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हापुड़ में शराब पार्टी के दौरान गाली गलौज को लेकर हुई थी वारदात, जहां दोस्तों ने ही मुकुल की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद मृतक के शव को हापुड़ से बाइक पर लादकर धीरखेड़ा के पास सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तीन आरोपी भवर चौधरी निवासी बाबूगढ़ छावनी हापुड़, आशीष पारासर और प्रीत त्यागी निवासी ग्राम धनोरा हापुड़ को गिरफ्तार किया है। पहुंची और आधार कार्ड के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करके उसके परिवार वालों को बुलाया गया। पोस्टमार्टम में निकल कर आया कि उसका एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसके सर में गोली लगी है और उसका मर्डर हुआ है। इस आधार पर पुलिस टीम उसमें काम कर रही थी। कुछ ब्लड स्टेन थे, खून के छींटे, जिसको जगह जगह देखते हुए पुलिस टीम हापुड़ कोतवाली तक पहुंची और उसमें आगे निकल कर ये तथ्य आया कि ये जो मृतक व्यक्ति है, इसको सोमवार के दिन 1 बजे वहाँ पर मौजूद था इसके 5 दोस्तों के साथ। वहाँ आंसू एक है जिसका घर है, उसके घर के भीतर आपसी इनमें लड़ाई हुई, कुछ बातों को लेकर कुछ जातिगत कमेंट भी हुए और अभी जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं उसमें प्रेम संबंधों की भी चीज सामने आ रही है। उन बातों को लेकर 5 दोस्तों ने इसको पहले सर में गोली मारी और गोली मारने के बाद जब ये नहीं मरा तो इसका गला दबाकर इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद 8 घंटे घर में बाडी रखे रहे और जब रात का अंधेरा हुआ तो इसको बाइक के बीच में बैठा कर 15 किलोमीटर दूर ले आकर उसे फेंक दिया।